सिर्फ आप एक बेसिक उनका एनालिसिस एक दिन बैठ के करो और देखो कि उनमें से कौन आपके साथ सिंसियर है, सबसे पहली चीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के जरिए जहनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। शुक्रिया। इस बात पे जब आपने समझ लिया, अपने आप समझा दिया अपने आप को कि कौन मेरे साथ सिंसियर है, तो फिर आपने उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस को सेट करना है। यानी आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले आप खुद, फिर आपके हस्बैंड और फिर ससुराल के वो लोग जो कि आपके साथ सिंसियर हैं। जब आपने प्रेफरेंस सेट कर ली तो उसके बाद अब आपने अपनी सोचों को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि जो भी बात हो वो बात किसने कही है, क्या वो है जो कि मेरे साथ सिंसियर है, तो फिर मुझे उसके ऊपर देखने की ज़रूरत है कि ये बात सही है या गलत है और मुझे इस पर कैसा फील करना चाहिए। तो उसके लिए आप उस वक्त पे उस थॉट को रिजेक्शन दोगे कि मुझे इस पर परेशान नहीं होना और मुझे इसके ऊपर किसी और टाइम पे सोचना है, कोई थिंकिंग टाइम सेट कर लो। तो इस तरह से आप ससुराल वालों के हवाले से काफ़ी हद तक कंट्रोल अपने ऊपर डेवलप कर लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप अपने सेल्फ पे भी काम करो, अपनी ज़ात पे काम करो, इसलिए कि हमें अपनी ज़ात को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी चीज़ उसको तोड़ ना सके, उसको कमज़ोर ना कर सके, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकें।